नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का स्टडी विद चंदन में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग नए सेशन स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारा पहला चैप्टर है, और चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग जो छोटे मोटे चीज़ें हैं इंग्लिश स्पोकन का, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं इंग्लिश का ABCD से। और आज ABCD का मैं पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको पता है कि अल्फ़ाबेट कितने हैं? आप अपने बहुत सारे दोस्तों के मुंह से सुने होंगे, या फिर आप भी कभी बोलते होंगे अल्फ़ाबेट कितने हैं, 26 हैं। जबकि ये उत्तर सही नहीं है। अल्फ़ाबेट क्या है? एक अपने आप में शब्द है जिसका मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है। और वर्णमाला जो है अपने आप में ये क्या रखते हैं, वर्णों का मेल। जैसे हम लोग माला बोलते हैं, तो माला में क्या होता है, बहुत सारे मोतियां मिलकर माला बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण या अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं, वर्णमाला बनाते हैं, जिनको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए अल्फाबेट कितना है, तो आपका उत्तर होना चाहिए एक। और यदि अक्षर पूछा जाए, लेटर्स पूछा जाए, तब आप उस वक्त बता सकते हैं कि लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंग्लिश में कुल 26 लेटर है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे A to Z तक। ये सारे क्या है, लेटर्स हैं। और इन लेटर्स के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। आप नर्सरी क्लास में पढ़े होंगे या फिर वन क्लास में पढ़े होंगे कि इंग्लिश में जो है लेटर को दो प्रकार से हम लोग लिखते हैं, एक अपर केस जिसको हम लोग कैपिटल लेटर बोलते हैं, और दूसरा लोअर केस जिनको हम लोग स्मॉल लेटर बोलते हैं। आपके स्क्रीन पर ये आपको नजर आ रही होगी। और मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आप से कोई व्यक्ति पूछे कि आप वर्ड किन्हें कहेंगे, तो आप उन्हें क्या बताएंगे? जब अक्षरों के सार्थक मेल मिलकर मिलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। ये हिंदी में आपको पढ़ाया गया होगा, तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, लेटर्स फॉर्म्स अ वर्ड। मतलब अक्षरों के मिलने से क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों के मिलने से क्या बनता है, वाक्य, और वाक्यों के मिलने से क्या बन जाता है, पैराग्राफ, और बहुत सारे पैराग्राफों के मिलने से क्या बन जाता है, एक किताब बन जाता है, ठीक है। एक पोएम बन जाती है, एक कहानी बन जाती है, और आपकी और हमारी इतिहास बन जाती है, ठीक है गाइस। तो ये इंग्लिश के कुछ बेसिक्स थे जिन्हें मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। और आज का हम लोग अपने मुख्य टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगले दिन से हमारा सिर्फ मुख्य टॉपिक से जुड़ा हुआ वीडियो रहेगा, और उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं, यदि मान लीजिए आप कहीं भी काम करते हैं या फिर किसी गली मोहल्ले में रहते हैं, तो आपसे बहुत सारे लोग बड़े होंगे, तो आप उन्हें मिलते वक्त कैसे उनका अभिवादन करें, कैसे उनसे बातें करें, उस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि मान लीजिए आप किसी गली मोहल्ले में रहते हैं, तो वहां पर कोई अंकल होंगे, कोई आंटी होंगे, जो कि आपसे बड़े होंगे, ठीक है। यदि आप ऑफिस में किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वहां पर बॉस होंगे, या फिर कोई आपसे सीनियर होंगे, या फिर कोई आपके साथी होंगे, ठीक है। तो आपको मिलते वक्त उनसे क्या कहना है, तो ये देखिए, यदि आप सुबह से लेकर 12 बजे दोपहर तक मिलते हैं, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, ठीक है। मिलते वक्त क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग। यदि आप उनसे जुदा होते हैं, अलग होते हैं, तो उस वक्त आपको बोलना है बाय। बाय मतलब होता है विदाई लेना, ठीक है, विदा होना। टेक केयर मतलब आप अपना ध्यान रखें, तो सामने वाला जब ये सुनेगा तो उन्हें क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। सी यू फिर मिलते हैं, या फिर देखते हैं। नेक्स्ट हैव अ नाइस डे मतलब आपकी दिन क्या हो, अच्छी हो। तो आप इस प्रकार से उनसे बातें कर सकते हैं। ये सब शब्द जो है, पैरा फ्रेज जो है, आपको कब बोलना है, विदाई लेते वक्त बोलना है, ठीक है। यदि आप मान लीजिए कि दोपहर 12 बजे से के बाद मिलते हैं, तब आपको उस टाइम पर क्या बोलना है। यदि आप दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मिलते हैं, तो उस वक्त आपको मिलते वक्त बोलना है गुड आफ्टरनून, ठीक है। सर, मैडम, ब्रदर, सिस्टर, जो भी हैं, तो आपको क्या बोलना है, गुड आफ्टरनून। मिलने के बाद यदि मान लीजिए आपका बात होने के बाद आप जुदा होते हैं, अलग होते हैं एक दूसरे से, तो आपको उस वक्त क्या बोलना है, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, जो कि आप पहले
बोल रहे थे अलग होते वक्त, तो इस वक्त भी आप अलग होते वक्त आप सेम चीज दोहरा सकते हैं। बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। अब देखिए, यदि शाम के 5 बजे से आप सोने तक किसी से मिलते हैं तो उस वक्त आपको बोलना है गुड इवनिंग। मिलते वक्त बोलना है गुड इवनिंग, और जब आप उनसे अलग होते हैं, विदाई लेते हैं, तो उस टाइम पर आपको बोलना है गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू। और एक शब्द आप देख रहे होंगे जो हम लोग दोनों में बोले थे शाम 5 बजे तक और दोपहर 12 बजे तक, 12 बजे से पहले तक क्या बोल रहे थे, हैव अ नाइस डे, जो कि आपको शाम के बाद रात में आपको हैव अ नाइस डे नहीं बोलना है, क्योंकि उनके बाद क्या होगी, हम लोग तो सोने चले जाएंगे अलग होने के बाद। यहां पर आपको हैव अ नाइस डे नहीं बोलना है, बस क्या बोलना है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू। बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल स्टडी विद चंदन सब्सक्राइब करें, और सहयोग बनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ इन्हें साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।